नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। गुजरात के गऊ टेक मेला जो राजकोट में चल रहा है, वहाँ अजीबोगरीब रंग दिख रहे हैं। अब हमें देख सकते हैं कि हमारे पीछे वैदिक दर्पण घड़ी, ये एक बहुत अद्भुत घड़ी है जो कि इन्वेंशन है दीपक भाई का। हम उनका बहुत बहुत बधाई देंगे इस घड़ी के लिए। नमस्कार, पहले तो मैं सारे दर्शकों को वेलकम करता हूँ हमारी गऊ टेक में। हमने एक घड़ी बनाई है जो भारतीय तिथि के हिसाब से चलती है। सारे धर्म के लिए है, ये सारी भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में है, गुजराती में है और सारे धर्मों के लिए है ये। तो आपकी घड़ी में क्या क्या खास है, हम देख रहे हैं इसमें चौघड़ियाँ हैं, तिथि है, हिंदी मास है, राहु काल है, लाभ काल है, वो क्या क्या चीज़ें और यूनिक है उसमें? जी, ये घड़ी चलती है जियो लोकेशन के हिसाब से। आप जिस जगह पर हो उस जगह को आपको सेट कर देना है एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। इसके अंदर कोई भी एक भी बटन नहीं है, बटनलेस स्मार्ट डिवाइस है। आपको पूरी की पूरी मैनेज होती है हमारे मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप से आप उसके अंदर लोकेशन सेट कर दीजिए, उस स्थान के हिसाब से आपको सारी चीज़ें दिखाएगी। जैसे कि चौघड़ियाँ दिखाएगा, मुहूर्त यानी चौघड़ियाँ दिखाएगा, सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त दिखाएगा, और वो भी प्रिसाइज टू द सेकेंड। अपन जो वैदिक पद्धति से चौघड़ियाँ सिलेक्ट कैलकुलेट होते हैं, उस हिसाब से वो चौघड़िया दिखाएगा। हमें वो ऐप दिखाइए मोबाइल में अपने। जी, ये हमारा मोबाइल ऐप है, आप देख सकते हैं। इसमें आप लोकेशन अपनी सेट कर सकते हो, दुनिया की कोई भी, वर्ल्ड की कोई भी लोकेशन आप सेट कर सकते हो। जैसे ही आप लोकेशन सेट करोगे, घड़ी में उस स्थान के हिसाब से वक्त दिखाना शुरू हो जाएगा। सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, चौघड़िया हो, जैनों में नवकारशी के वक्त होते हैं तो नवकारशी के वक्त है, वो सारे उस हिसाब से, उस तारीख लोकेशन के हिसाब से दिखाना शुरू कर देगा। सेकेंडली, इस घड़ी में जब इंडियन कैलेंडर दिखता है तो तिथि, अगर क्षय तिथि हो, वृद्धि तिथि हो, डबल तिथि होती है। भारतीय कैलेंडर में दो तिथियां आती है, कभी कभी कोई तिथि होती नहीं है, तो वो भी अपने आप कैलकुलेट करता है। अगर अधिक मास है तो अधिक मास भी कैलकुलेट कर लेता है। इंडियन पंचांग में जितनी चीज़ें आती है वो सारी हमने इस घड़ी में डाली हुई है। देखिए, भारतीय पंचांग जो है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है, सूर्य गति पर आधारित नहीं है। जी, और चंद्रमा की गति में परिवर्तन होता रहता है। जी, वो कैसे मैच करते हैं, घड़ी का खुद बदलती है अपने हिसाब से? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बहुत सारे लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं कि ये अंदर मैनेज कैसे करता है। देखिए, हर चीज़ है ना, हमारे शास्त्र में लिखी हुई है कि इस हिसाब से ये होना चाहिए। हमने उसका अध्ययन किया, हम 2015 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हमने उनकी ओपिनियन ली, उनसे एडवाइस ली। जो भी हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है वो सारा इसके हार्डवेयर में हमने इनकोड कर दिया है कि इतने वक्त के बाद ये होना चाहिए, ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो ये होगा, तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप करता है। मतलब आपने पंचांग का सारा डेटा उठा के इस घड़ी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डाल दिया है? हाँ, उसका लॉजिक डाल दिया है, उसको एक दिमाग दे दिया है हमने। इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है उसके अंदर खुद का एक दिमाग दे दिया है कि तुम्हें इस तरह से ये कैलकुलेट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं किसी रिलीजन को या किसी सेक्ट को, जैनिज्म को सिलेक्ट कर लेते हैं हम या स्वामीनारायण संप्रदाय को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब उस संप्रदाय में किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है वो हमने अध्ययन किया, इसके अंदर डाल दिया। अब उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप अब उसके बाद का सारा काम वो खुद करेगा। अच्छा, ये आपकी घड़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या आपने खुद किया, किसी कराया? हाँ जी, 2015 में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सब्जेक्ट मैटर स्कॉलर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर बिपिन दोषी है मुंबई के, गिरीश भाई महाजन है, फिर हरीश भाई पारेख है, ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनसे मिलना शुरू किया, उनसे सलाह मशवरा किया, उनके इनपुट्स लिए, कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए, फिर उनके पास जाके ऑथोराइज़ कराया कि भैया ये हमने ठीक किया या गलत किया, फिर ओपिनियन आया। ऐसे करते करते, सुधार करते करते, फाइनल ये प्रोडक्ट हमने एक साल पहले कुछ लोगों को दिए। एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, कुछ जान पहचान वाले लोग, कुछ मार्केट एंट्री के लिए हमने बेचे। एक साल तक वेट किया उनकी ओपिनियन लेने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमसे। देखिए, सादी घड़ी हो तो बात अलग है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्म की, धर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं चलती है। तो हमने एक साल तक वेट किया प्रोटोटाइप लेवल लॉन्च करने के बाद में, टेस्टिंग फेज में, एक्चुअल यूज़र ओपिनियंस लेने के लिए कि कुछ हमारी त्रुटियां रह रही है तो हम उसको सुधार लें। लेकिन वो सब क्लियर होने के बाद अब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अच्छा, आपने मतलब, मैं जब पहली बार घड़ी को देखा मैं सरप्राइज रह गया कि भाई ये यूनिक आइडिया है और यूनिक कॉन्सेप्ट है।
मार्केट का रिस्पांस क्या है आपके प्रोडक्ट के प्रति? मार्केट का रिस्पांस मैं आपको मेरे मोबाइल पे कुछ लोगों ने जो हमारी घड़ी ली हुई है, देखिए धंधा तो हम लोग हर कोई करता है, कमा भी लेता है, धंधा करने के साथ कमाने के साथ अगर आशीर्वाद मिले तो कितनी बड़ी बात है। लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि भैया आपने हमारा जो हमारे लाइफ में एक चीज़ कमी पड़ रही थी, हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस ढूंढने जाने पड़ रहा था, वो हमारा काम कर दिया। अच्छा ये 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 बनाने के पीछे का उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी यंगर जनरेशन को ब्लेम करते हैं कि भैया आपको इंडियन कैलेंडर्स पता नहीं है, आपको हमारी तिथियाँ पता नहीं है, क्या हमने उनको कोई माध्यम दिया है? हमने कोई उनको माध्यम ही नहीं दिया है, हम एक विजुअल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। जब ये घड़ी लगी होगी, बच्चे इसको देखेंगे, रोज़ जो चीज़ हम देखते हैं ना वो हमारी विजुअल मेमोरी में फीड हो जाती है। मोबाइल ने हमें टाइप करना सिखा दिया, अनपढ़ है वो भी टाइप कर लेता है। हम विजुअल मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं जनमानस पे, ताकि बच्चा खुद पूछे कि ये क्या है। जब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, तो हमें आंसर देना और समझाना और ईजी हो जाता है। तो यही उद्देश्य ये है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो उन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आ गया। हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो हम उनकी प्रेरणा से जानना चाहेंगे जो उनके साथ मौजूद हैं, कि जब दीपक भाई ये संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपना फलता फूलता मुंबई का करियर छोड़ के जब वो इस काम में लगे, तो आपने कैसे उनको सपोर्ट किया? मैंने घर संभाला, बच्चे को संभाला, फैमिली को संभाला, क्योंकि एक के पीछे दूसरे का हाथ ज़रूरी है। अगर वो अगर घर पे बैठ जाएंगे तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और जीवनसाथी का साथ देना ज़रूरी होता है। उनका एक सपना था, वो सपना पूरा करने में हम लोगों ने फैमिली में मदद की। हम दर्शकों को बता दें कि आप एक परफेक्ट कपल को देख रहे हैं अपने सामने, जिन्होंने एक सपना देखा और भाभी ने उस सपने को पूरा करने में मदद की। एक मतलब भारतीय दर्शक जो है इस बात के बहुत आभारी रहेंगे, और जो भी पुरातन पंचांग और संस्कृति के प्रेमी हैं, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि दीपक भाई से आप वो संपर्क करें। हम दीपक भाई से पूछेंगे कि अगर वो आपकी घड़ी लेना चाहें, तो दर्शकों के बिहाफ में पूछना चाहूँगा कि वो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? ये हमारी वेबसाइट है ग्लोबल कैलेंडर। हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, जो ये सोच को हम ले कर आए, इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस और आनी बाकी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है ग्लोबल कैलेंडर का छोटा सा फॉर्म किया है globalcal.in, और आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8452031332। हमारी वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी हमें कांटेक्ट कीजिए, आपकी सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। हाँ, दर्शकों को बता दें कि मेरे नीचे जो आप नंबर डिस्प्ले होता है वो देख रहे हैं, इस नंबर पे आप दीपक भाई से संपर्क करें और वैदिक दर्पण घड़ी प्राप्त करें। ये घड़ी बहुत यूनिक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। और इसी तरह से यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।